ऋषभ गर्ग बोलते हैं कि ये डैश आपकी वाट लगाने को बोल रहा है, बताओ क्या करें इसका। भाई देखो, किसी का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी समझ है, सबकी अपनी सोच है, और मैं ऐसे में चुप रहने में ही जो है वो भरोसा करता हूँ यहाँ पे। मतलब होता यह है लाइफ में कि आप किसी को अगर थोड़ा सा अटेंशन दे दोगे तो लोग जो हैं वो उसका कई बार गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ऐसे में मैं चुप रहने में ही समझदारी समझता हूँ अपनी, और शायद यही मेच्योरिटी है, यही शायद डिफरेंस है कि मतलब एक समझदार इंसान का। अब मैं और इसके ऊपर क्या बोल सकता हूँ, कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है ना। बिकॉज़ होता यह है ना कि यार अभी क्या है ना, लोग कई बार लेवल अपना बहुत नीचे गिरा लेते हैं, और ऐसे में आप उनके लेवल तक जाओ और उसके बाद में आप उनसे बातचीत करो, बहस करो, आर्गुमेंट करो, तो उसका सेंस ही नहीं बनता है। आप जो है वो अगर अपना काम करते रहोगे लाइफ में, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते होंगे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो अगर आप हर एक को रुक रुक के जवाब देने लग गए, अगर आप हर एक को रुक रुक के उसका अपना जो है वो रिस्पॉन्स वहाँ पे फीड करने लग गए, तो ऐसे में आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। आज मैं एक इंसान के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर इस वीडियो में। मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूँगा, बट यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बस एक हिंट दूंगा आपको, आप खुद समझ जाइए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल आज मैं बात कर रहा हूँ सौरभ के बारे में, जो टेक्निकल जो आप लगा सकते हैं, वो घटिया इंसान है। मैं चाहता तो उसका नाम ले लेता, मेरे को डर नहीं किसी बात का, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे हम उनका नाम। उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशली ये उनके ऊपर वीडियो है। लोग उनको यूट्यूब पर भगवान बना बैठे हैं, उसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं नीचे लेवल पे आके बात नहीं करता। मैं आज बताना चाहूँगा मेरा लेवल क्या है। रही बात बात करने के शिष्टाचार की और लहजे की और तहजीब की, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेक्निकल जी, मैं आपसे ज़्यादा खुद को अच्छा समझता हूँ। ये मेरा कोई घमंड नहीं है, और ऐसा मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, ये मेरा विश्वास है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ये इंसान कैसे पनपा और कैसे यूट्यूब पर इसने नेगेटिविटी फैला दी। एक यूट्यूबर थे वर्मा जी, वर्मा जी ने शुरुआत की, कोई उनको क्रेडिट नहीं देता, बट यूट्यूब पर अगर किसी ने हिंदी में गैजेट्स को रिव्यू करना शुरू किया, फ़ोन्स को रिव्यू करना शुरू किया हिंदी में, तो वो पहले अच्छे स्तर पर वर्मा जी थे। वर्मा जी के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था जिसका नाम था सौरभ, जो अभी टेक्निकल उसके नाम से दाढ़ी वाला है, वो तो दाढ़ी वाला आदमी है। उसने क्या किया, उसने एक वीडियो बनाई और वर्मा जी के चैनल पर अपलोड करने की रिक्वेस्ट की। वर्मा जी ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आप मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हो और मैं इस वीडियो को डाल देता हूँ ताकि आपका भी कुछ भला हो जाए, आप भी कुछ नया करना चाहते हो। उन्होंने ऐसा कर दिया और इसी ज़रिए टेक्निकल उसका या सौरभ का चैनल चल पड़ा। मैं आपको बता दूँ, अगर जियो नहीं होता और उनके चैनल को किसी ने पुश नहीं किया होता, उनकी वीडियो नहीं डाली होती, तो आज भी 2 या 3 लाख पर होते, ये मेरा दावा है। अगर जियो नहीं होता और उनकी किसी ने उनको भीख में चैनल का सपोर्ट नहीं दिया होता, और वो भी एहसान फरामोश, कभी एहसान नहीं मानते उनका, तो उनका चैनल आज भी 300K पे था। मेरे चैनल, मैं अपने अब कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आज मैं बोलूँगा। तो इनको यूट्यूब की सक्सेस भी शुरुआत में भीख पर मिली है, और ये अपने दिल पर हाथ रख के ये नहीं बोल सकते कि ये सारी इन्हीं की मेहनत है जो इन्होंने शुरू किया है। मतलब ये वो व्यक्ति हैं जो जन्म से ही मुँह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। इन्होंने कुछ स्ट्रगल नहीं देखा, कुछ भी चीज़ खुद से शुरुआत नहीं की। ये दावा करते हैं कि इनको एप्पल से जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप ये सब कैसे सिखाते हैं, आपने कैसे सीखा, तो टेक्निकल ने ये जवाब दिया कि जो मेरे प्रोफेसर ने मुझे सिखाया वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इंजीनियरिंग में क्या प्रोफेसर लोगों को नीचे गिराना, उनको गलत बोलना, मोबाइल फ़ोन के डब्बे खोलना और न्यूज़ रिपोर्टिंग करना सिखाते हैं। मैंने तो आज तक ऐसा इंजीनियरिंग का कोई भी कॉलेज नहीं देखा, अगर आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर इन्होंने कहा था कि माय मिनी आईफोन, मैं आपको बता दूं वो मिनी आईफोन नहीं था, वो सिर्फ़ एक कार्ड फ़ोन था, और इसे क्लिक बेटिंग कहा जाता है।